जय महाराज। देवी देवताओं की होली रंगपंचमी। सनातन धर्म में रंगपंचमी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंगपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही ब्रजमंडल में 40 दिवसीय होली पर्व का समापन भी हो जाता है। इस साल रंगपंचमी का पर्व 30 मार्च को मनाया जा रहा है। हिंदू शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आकर होली खेलते हैं। इस साल रंगपंचमी पर काफ़ी शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन रंग खेलने से देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। देवताओं को समर्पित होने के कारण इसे देव पंचमी, श्री पंचमी भी कहा जाता है। क्यों मनाते हैं रंग पंचमी? रंग पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें श्री कृष्ण राधा रानी के अलावा कामदेव की कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी, इसी के कारण इस दिन उन्हें रंग चढ़ाना शुभ माना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। होलाष्टक के दिन कामदेव के भस्म होने से उनकी पत्नी रति सहित अन्य देवी देवता उदास हो गए थे और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, फिर उन्होंने पुनः कामदेव को जीवित कर दिया था। ऐसे में देवी देवता काफ़ी हर्षित हो गए और उन्होंने रंगोत्सव मनाया था। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन चैत्र मास की पंचमी तिथि थी, इसीलिए रंग पंचमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। जय महाराज।